हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैशटैग गेमिंग यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं रिव्यू करूंगा एक ऐसी गेम का जिसके बारे में आपने कभी ना कभी कुछ तो सुना होगा या इसको किसी ना किसी तरह से कंज्यूम किया होगा। हो सकता है आपने एनीमे कंज्यूम किया हो इस चीज का, हो सकता है आपने मैंगा पढ़ी हो, बट कहीं ना कहीं से या कोई गेम खेली हो, बट कहीं ना कहीं से तो आपने इसके बारे में दोस्तों से या खुद सुना ही होगा। तो इस चीज का नाम है ड्रैगन बॉल जी कैकरोट। ड्रैगन बॉल जी कैकरोट जो गेम है वो ड्रैगन बॉल जी ओरिजिनल एनिमे के ऊपर बेस्ड है। प्रॉपर स्टोरी बताएगी ड्रैगन बॉल जी की स्टार्टिंग से लेके बू सैगा के एंड तक, जहां पर ड्रैगन बॉल जी खत्म हुआ था। इस सीरीज को आप कह सकते हैं ड्रैगन बॉल जी सीरीज को बेस्ट ड्रैगन बॉल सीरीज, ऑल्दो ये कॉन्ट्रेरी है, आपका अलग बिलीफ हो सकता है, आपको सुपर हो सकता है ज्यादा पसंद हो किसी को जी, बट मुझे जी ज्यादा पसंद था सुपर से, तो मेरे लिए ये ज्यादा बेटर गेम रहेगी अगर कोई भी सुपर के ऊपर बनती है। इस गेम को एक इस तरह से दिखाया गया है कि जो इवेंट्स आपको एनिमे में नहीं देखने को मिले थे। देखो क्या है, जो ड्रैगन बॉल जी एनिमेशन है जिसे आप कह सकते हो कार्टून जो है, उसके ऊपर बहुत सारी गेम्स बन चुकी हैं। ड्रैगन बॉल जी बुडुकाई टेकनाइची 1, टेकनाइची 2, टेकनाइची 3, इन तीनों गेम्स में ड्रैगन बॉल जी की स्टोरीज बताई गई थी। बट इस गेम में क्या डिफरेंट है, इस क्वेश्चन पे एक आंसर देता हूं पहले। तो इस गेम में जो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा वो ये है कि इस गेम में आपको जो स्टोरी मिलेगी वो मिलेगी बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक डिटेल्ड स्टोरी, जिस तरह एनिमेशन आपने देखा था बचपन में बिल्कुल उस तरह से मिलेगी। जो पुरानी गेम्स में स्टोरी देखने को मिली थी वो सिर्फ मेन मेन पार्ट्स देखने को मिलते थे, बीच की बिल्कुल भी स्टोरी नहीं बताते थे। बट इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक किस तरह छोटे छोटे पावर अप्स लेता है करेक्टर, क्या क्या करता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा बिल्कुल डिटेल में। मतलब अगर किसी में आप लोगों में से ड्रैगन बॉल जी की एनिमेशन को नहीं देखा तो वो इस गेम को खेल सकता है और वो एनिमेशन पूरी समझ जाएगा। ये इतनी डिटेल्ड गेम है। अब बात करते हैं इस गेम में और क्या डिफरेंट है स्टोरी के सिवा। तो इस गेम में उस लीनियर स्टोरी के सिवा आपको ओपन वर्ल्ड भी दिया जाएगा। चार एरिया में डिवाइड किया गया उस ओपन वर्ल्ड को वेरियस लोकेशंस में। आप बार बार लोकेशन को चेंज करके, जुड़ा हुआ वर्ल्ड नहीं है बट काफी बड़े रीजन्स में डिवाइड किया, आप हर एक रीजन को अपनी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस गेम को लाइट आरपीजी मैकेनिक्स के साथ बनाया गया है, मतलब आप इसमें अपने करेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट स्किल्स इन सब चीजों को आप छेड़ाछाड़ी कर चेंज कर सकते हैं। और बात करें तो इस गेम में जो स्टोरी बताई गई है वो थोड़ी बिहाइंड द सीन्स के बारे में बताई गई थी। जैसे फॉर एग्जांपल ड्रैगन बॉल जी में जब गोकू और फ्रीजा की फाइट हो रही थी तो हमें तो सिर्फ एनिमेशन में उनकी फाइट दिखाई गई थी, बट बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था, दूसरे यूनिवर्सिस में क्या हो रहा था, तो ऐसी ऐसी चीजों के बारे में भी बताया जाएगा। तो गाइज क्या आपको ये गेम खेलनी चाहिए? तो यार मैंने तो अभी तक जहां तक गेम खेली है तो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन में तो मैं आपको ये कहूंगा, इस गेम के अगर आप इसको स्टोरी के लिए खेल रहे हो तो ये तो टॉप नॉच है, क्योंकि एनिमेशन ही टॉप नॉच था इसका। बट अगर आप खेल रहे हो इसके ओपन वर्ल्ड के लिए और आरपीजी मैकेनिक्स के लिए तो वहां पर थोड़ी सी फ्लैट परफॉर्म करती है गेम, क्योंकि इसके जो ग्राफिक्स हैं ओपन वर्ल्ड के वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगते हैं, PS3 के एरा के लगते हैं एंड सेल शेडेड ग्राफिक हैं। ऑल्दो सेल शेडेड ग्राफिक्स लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड के भी थे, बट वो इतने ज्यादा लो क्वालिटी के नहीं लगते थे, ये कुछ ज्यादा ही लो क्वालिटी के लगते हैं। ऑल्दो नो ऑफेंस, ग्राफिक जो है वो पर्सनल ओपिनियन पर डिपेंड करता, हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा अच्छे लगे। और जो ओपन वर्ल्ड की बात करूं तो डिटेल्ड ओपन वर्ल्ड नहीं है, बहुत ज्यादा खाली ओपन वर्ल्ड है, बस पेड़ के बाद पेड़ आते हैं कई रीजन्स में। तो बट अगर आप स्टोरी के लिए लेना चाहते हैं तो मैं इसे दूंगा 5 में से 5। अगर आप आरपीजी एंड आपको ओपन वर्ल्ड से भी मतलब है तो मैं इसको दूंगा 5 में से 3 स्टार्स। आप क्या इस गेम का गेम प्ले देखना चाहते हो इस यूट्यूब चैनल पे, क्या मैं इस गेम को खेलूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इस गेम को खेल लूंगा। और आपका क्या ओपिनियन है इस गेम को लेकर यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज, कि आप लोगों का क्या रिव्यू है जो आपने गेम प्ले वगैरह कहीं पर देखे हैं। तो क्या आप इस गेम को लेना चाहिए, तो स्टोरी के लिए लेना है तो अभी के भी ले लो, अगर स्टोरी के लिए नहीं मतलब है, आपको स्टोरी से स्टोरी बहुत बार देखी है, आपने आपको उसके मैकेनिक से मतलब है, तो आप इस गेम का इंतजार कर सकते हो सेल होने के लिए। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो #gaming यूट्यूब चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड टिल देन टू स्वीट।